एक ऐसा तारा जिसके ऊपर हम आँख उठाकर भी नहीं देख सकते, ना ही उसके पास जा सकते हैं। अगर हमने उसके पास जाने की कोशिश की तो हमें आँख से ख़त्म कर सकता है, जिसकी चक्कर हमारी पृथ्वी लगाती है। मैं बात कर रहा हूँ सूरज की, जो कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूरज के इस रहस्य को जानने के लिए नासा ने एक मिशन शुरू कर दिया है। मिशन सोलार पार्कर प्रॉब नाम से एक मिशन है। पार्कर सोलार प्रॉब सूरज के जितना हो सके उतना करीब जा सकता है। पार्कर सोलार प्रॉब एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जिसे साइंटिस्ट और एस्ट्रोफिजिसिस्ट आइगिन पार्कर के नाम के ऊपर दिया गया है। आइगिन पार्कर उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि सूरज सोलार वाइंड के रूप में अपने मास का कुछ हिस्सा बाहर स्पेस में स्पेल करता है, जो हमारे सूर्यमंडल में फैल जाता है। इस मिशन से हम ये पता कर पाएंगे कि आउटर स्पेस में सूरज के रेडिएशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है और भविष्य में इसका असर क्या होने वाला है। अभी पार्कर सोलार प्रॉब 720,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर रहा है और कुछ ही दिनों में सूरज के सबसे करीब की दायरे में ये पहुंच जाएगा। इस मिशन में पार्कर सोलार प्रॉब सूरज के 65 लाख किलोमीटर के दायरे में रहेगा। हमें ये लगता है कि सूरज का तापमान इतना होने के बावजूद स्पेसक्राफ्ट सूरज के इतना पास जाना कैसे संभव है। लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। इसका वजन 650 किलो है। इसके ऊपर एक शील्ड है जो सूरज के रेडिएशन के कारण पिघलने से बचाएगा। कार्बन फॉर्म में मटेरियल यूज किया है। इसके एल्यूमिनियम मेटल के लेयर के बीच में रखा गया है क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर सके। बाहरी एटमॉस्फेयर का तापमान 1400 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद अंदर का तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इस सोलार प्रॉब के कारण हम सूरज और सोलार सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे, जिसके ऊपर हमारा फ्यूचर डिपेंड है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।